क्लास टेंथ इंग्लिश, ठीक है। आज इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। फर्स्ट हमारी पोयम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। ये एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जो किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई ये पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, ये एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। जो पोएम लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोएट बोलते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसको पोएट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट का मतलब समझते हो क्या होता है, अमेरिकन पोएट का मतलब होता है वो, उनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। जैसे अगर हम बात करें इंडियन पोएट, ठीक है, तो इंडियन पोएट का मतलब ये होता है कि वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। छोटी सी पोएम है, ठीक है, 8 लाइन की पोएम है, बहुत छोटी पोएम है, लेकिन इस छोटी सी पोएम का मैसेज बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे शायर क्या, एक शायरी छोटी सी 4 लाइन में समझा जाता है और उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, इशारों इशारों में बात कह जाता है। वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी एक 8 लाइन की पोएम लिखी है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। और इनकी जो लिखने की लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये जो राइटिंग इनकी लैंग्वेज है राइटिंग की, वो बहुत सिंपल है। सिंपल का मतलब ये है कि जो ये लिखते हैं वो इजीली से हम समझ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको ये नहीं कि बहुत बड़ी डिक्शनरी उठानी पड़े, इनके एक एक वर्ड हमें सर्च करने पड़ेंगे, ऐसे वर्ड्स भी यूज नहीं करते हैं। सिंपल है, नॉर्मल सा कोई भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इनकी थीम होती है वो सोशल से लेके होती है, ठीक है, फिलोसफल होती है, ठीक है। फिलोसफी से रिलेटेड होती है, सोशल से रिलेटेड, मतलब सामाजिक होती है, दार्शनिक होती है, मतलब उसको सोचने विचारने वाला होता है, कुछ ऐसा मैसेज होता है उसके पीछे, ठीक है। दूसरी बात होती है सोशल होती है, मतलब समाज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कुछ समाज में ऐसी चीज़ें हो रखी होती हैं जिन पर बात करना ज़रूरी होता है, तो उन्हीं चीज़ को उजागर करने के लिए, उस पर लाइट डालने के लिए लोग क्या कर, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, अपनी पोएम्स को लिखते हैं। जैसे शायर के अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि वो शायरी लिख देते हैं ना, कुछ दुख बांटने के लिए दुख भरी शायरी लिखते हैं, ठीक है। वैसे ये समाज में, जो समाज में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए अपनी पोएम लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई, एक ये जो डस्ट ऑफ स्नो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है, ठीक है। छोटी पोएम है लेकिन बहुत ही डीपर इसका मैसेज है। चलो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले इस पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पोएम है, लिखा, द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइंड, ठीक है। ये हमारी पोएम थी। पोएम 2 स्टेंजा में लिखी गई है, ठीक है। जो हमारा प्रोज होता है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है। जो पोएम होती है वो हमारी स्टेंजा फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये पोएम में कितने स्टेंजा हैं, 2 स्टेंजा हैं। पहले स्टेंजा में 4 लाइन, दूसरे स्टेंजा में 4 लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, द वे आ क्रो, ठीक है, द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी, ठीक है। एक्चुअली बात ऐसा है, देखो क्या होता है कि जो क्रो है, ठीक है, तो भैया कौवे को हम लोग कैसा मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, ठीक है, कैसा मानते हैं, अपशगुन। वो किसका प्रतीक माना जाता है, डेथ का, फियर का, या बैड फॉर्चून का। जैसे अभी हम लोग के यहाँ पितृ वाला होता ना, तो पितरों को दान करते हैं तो उसमें क्या, कौवे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि वो डेथ का सिंबल है, फियर का सिंबल है। वैसे पूरा साल इसको कोई नहीं पूज रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो पितृ वाला दान करने को आता है तो कौन याद आता है, कौवा। एक्चुअली ये बात जो है, कौवा किसका सिंबल है, डेथ का, फियर का, ठीक है, और बैड फॉर्चून का। किसका सिंबल है, तो हमारा डेथ का है, फियर का है, ठीक है। अगर हमारा आंसर पूछा जाए करो इज अ सिंबल ऑफ, तो डेथ या फियर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द वे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रेम ऑफ हेमलॉक ट्री। वे मतलब होता है तरीका, वे मतलब होता है तरीका या मैनर, है ना। जैसे कह रहे हैं तुम्हारा तरीका बहुत गंदा है, बोलने का वे जो है बहुत खराब है, ठीक है, अपना वे चेंज करो। यहाँ वे मतलब रास्ता नहीं है, मतलब तरीका जो तुम यूज कर रहे हो। द वे आ क्रो, क्रो का तरीका क्या, सुक डाउन ऑन मी। सुक क्या होता है, देखो सेक होता है, सुक ये सेकंड फॉर्म है सेक की, ठीक है, किसकी, सेकंड फॉर्म है
शेक के, शेक मतलब होता है हिलाना, कहते हो ना हैंड शेक, तो हैंड मिलाते हो फिर हिलाते हो ना ऐसे, मतलब होता है हिलाना। तो क्या है, कौआ है ठीक है, वो कर क्या रहा है, सुक डाउन ऑन मी, मी मतलब कौन, पोएट, मी यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, पोएट के लिए ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रेम ऑफ हेमलॉक ट्री, कौआ है वो क्या कर रहा है कि पेड़ को हिला रहा है, कौन से पेड़ को, हेमलॉक ट्री को, जिससे क्या हो रही है, डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उस पोएट के ऊपर गिर रहे हैं। एक्चुअली मैं देखो ये पोएम क्यों लिखी गई है, जो कवि हैं पोएट हैं ये क्या, एक बार कुछ ऐसा हुआ जब वो बहुत उदास थे ठीक है, क्या थे, बहुत उदास थे ठीक है, तो उसी चीज़ को सोच के उसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम लिखी गई है ठीक है। इसमें कौवे का यूज किया गया, हेमलॉक का यूज किया गया। एक्चुअली बात ये होती है, देखो हेमलॉक ट्री क्या है, एक हमारा पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, जैसे तुम लोगों ने धतूरा देखा होगा, जहरीला होता है, छोटे जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं वाइट फ्लावर्स ना ठीक है, वैसे ये कि अमेरिका में पाया जाता है हेमलॉक ट्री ठीक है, तो ये भी एक जहरीला पौधा है, तो दोनों भाई जहरीला तो भाई डेथ ऑफ एयर का ही होगा सैंपल, अब वो तुम्हारे लिए अमृत का काम तो नहीं करेगा ठीक है, और कौवा भी क्या होता है, डेथ ऑफ एयर का। एक्चुअली यहाँ जो बात बताई गई कि निगेटिविटी जो चीज़ होती ना वो कैसे हमारी थिंकिंग पे बेस करती है ठीक है, कि जैसे मान लो बिल्ली रास्ता कट गई ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तुम्हारा मूड खराब हो गया, अब मैं नहीं जा रहा, खाली बाल्टी देख ली तो क्या होगा, अब हमारा, अब हम जाएंगे काम खराब हो जाएगा, ये तुम्हारी थिंकिंग है ना, ऐसा होने वाला नहीं है बट ये थिंकिंग है जो समाज ने एक बना रखी है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा ठीक है। अब तुमने बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो तुम्हारा अब रास्ता जाना बेकार है, नेवले ने रास्ता काट दिया अब तुम मत जाओ उधर ठीक है, तो उसी चीज़ पे ये बात करते कि मतलब एक छोटी सी चीज़ जो है ठीक है वो कैसे हमारा मन बदल देती है वो बता रहे हैं ठीक है, कि छोटी सी, जैसे मान लो तुम जा रहे थे खुश होके बढ़िया तैयार व्यार होके, पाउडर वाउडर लगा के नहा धो के हाँ क्रीम व्रीम लगा के तैयार होके, गाड़ी भी निकाल ली साफ वाफ कर ली, अब क्या हुआ, कोई आ गया खाली बाल्टी लेके, सिर्फ खाली बाल्टी देख के तुम्हारी पार्टी जाने का पूरा मूड बेकार हो गया, घर के अंदर थे नहा रहे थे, जब कपड़े पहन रहे थे पाउडर लगा रहे थे बड़ा खुश थे, ये जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, अब बस बाहर निकले खाली बाल्टी थी, मतलब छोड़, एक खाली बाल्टी ने तुम्हारा पूरा का पूरा क्या किया है, मूड चेंज कर दिया है। वही चीज़ दिखा रहे हैं कि कैसे जो चीज़ें हमने बना रखी हैं वो, देखो यहाँ पास हमने कैसे जाना कि जो पोएट का मन है उदास क्यों है, उदास ही क्यों है, वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि भैया क्रो और हेमलॉक ट्री किसके हैं, डेथ ऑफ फियर के हैं, अब भैया डेथ ऑफ फियर में आदमी हंसता तो है नहीं, वो दुखी होता है ना, यहाँ पास सिंबल ये प्रदर्शित कर रहे हैं जो कवि की मन का दशा है, जो उसका जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसका मन है वो क्या है, बहुत सैड है ठीक है, वो किससे पता चल रहा है, क्रो और हेमलॉक ट्री से ठीक है। तो भाई क्या है, यहाँ पास यही चीज़ भी नहीं सो है कि मतलब जो या तो कवि जो है वो ऑलरेडी उस पेड़ के नीचे है ठीक है, ये चीज़ यहाँ कहीं मेंशन नहीं की गई है कि कवि पहले से ही पेड़ के नीचे बैठा था या चलते हुए आया और पेड़ के नीचे रुका है ना, ये बताया गया है कि कौवा ऑलरेडी उस पेड़ पे बैठा था या कौवा आके बैठ रहा है ठीक है, ये चीज़ यहाँ पास मेंशन नहीं है ठीक है, हम मान सकते हैं कि कौवा पहले से बैठा हुआ है और कभी आके बैठ रहा है या बैठा हुआ है ठीक है पेड़ के नीचे, तो फिर बहुत उदास है, कभी आए या पहले से आए और वहाँ पास गए, हेमलॉक ट्री होता है उसके नीचे क्या बैठ गए, और कौवा उस पर बैठा हुआ था, उसने क्या किया, जो उसको सुक डाउन ऑन मी, उसको क्या किया, उस पेड़ को हिला दिया, जब वो पेड़ को हिलाया तो उससे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा यहाँ पास ये बात समझना, इन्होंने डस्ट यूज की है, वो सीधे डायरेक्टली स्नो यूज कर सकते थे, स्नो क्या होती है, बर्फ जो आती है ना, हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ के साथ खेल के स्नो, सीधे बोलते कि स्नो गिरी, लेकिन उन्होंने स्नो नहीं यूज किया, उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो यूज किया है, डस्ट मतलब धूल, मतलब जैसे अभी देखो कहीं तुम बैठे हो उसको ऐसे करो थोड़ी सी धूल तुम्हारे ऊपर आ जाएगी ठीक है, तो मतलब एक छोटा सा मतलब उसे जो डस्ट जो स्नो है उसकी छोटी सी ही मात्र जो गिर रही है उससे उनका मूड चेंज हो रहा है, पूरी की पूरी स्नो नहीं, बस स्नो का मात्र कुछ अंश, भाई पेड़ पे बैठा होगा उसे या तो बैठा उसकी वजह से हिल गया या कुछ किया होगा या हिला दिया तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा गिरा है ठीक है उससे क्या हुआ है उनका मूड चेंज हुआ है ठीक है।
तो इतनी बात समझे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कवि क्या है, बहुत उदास है, ठीक है, उस उदासी के बारे में सोच के ये कविता लिख रहा है। वो एक बार जाते हुए एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ क्या होता है, कौवा बैठा होता है, वो कौवा क्या करता है, उस पेड़ को हिलाता है, जिससे क्या होती है कि डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है, ठीक है। इतना ये फर्स्ट स्टेंजा था। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइंड, मतलब जो कौवे ने वो जो गिराई है क्या डस्ट ऑफ स्नो, उससे क्या हुआ है, मेरा हृदय मेरा मन क्या हुआ है, चेंज हो गया है। पहले कवि कैसा था, उदास था, ठीक है, अब वो क्या हो गया, खुश हो गया है। कैसे पता चल रहा है कि वो खुश हो गया है, देखो भैया क्या लिखा, एंड सेव्ड सम पार्ट, अब क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रुइड, रुइड मतलब होता है इन हैड रिग्रेट, मतलब दुखी में या खेद किसी चीज़ का, जैसे अब कुछ अब तुम नहीं सुबह से पढ़े हो, शाम तक नहीं पढ़े, यार आज तो पूरा दिन खराब हो गया है, इतने घंटे खराब कर डाले, कुछ नहीं पढ़ाई हुई है, ठीक है, कुछ काम खराब हो गया यार, ये खराब हो गया, उसी चीज़ को लेके सोच के क्या करते हैं, हम आगे वाला टाइम भी खराब कर रहे हैं, बस सोच सोच के यार ऐसा हो गया, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फर्स्ट पेपर खराब हो गया, सेकेंड पेपर नहीं पढ़ रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आगे वाला टाइम खराब कर दे, लेकिन क्या कह रहा है, जो कौवे ने उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिराई, उससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मूड क्या होता है, जो बोलते हैं मनोदशा, कि भैया आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, आज मेरा खाने का मूड नहीं है, हाँ आज मेरा सोने का मूड है, तो मूड क्या, तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारे जो करने का तरीका, उससे क्या हो रहा है, उसका मूड चेंज हो जा रहा है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ आर डे आई हैड रुइंड, मतलब जो मेरा जो दिन था जो अभी तक खराब चल रहा था, उसका पार्ट जो है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो सेव हो गया है, मतलब बच गया है, अब वो अच्छा गुजर रहा है, क्यों, क्योंकि उससे जो गिरा है वो, तो उससे क्या हुआ, मेरा मन उदास जो था वो अब खुश हो गया है, ठीक है, क्या हुआ, उदास था वो खुश हो गया है, ठीक है। जैसे अभी तुमने किसी से बात करनी हो, बड़ी याद आ रही है उसकी, अब वो एक कॉल कर दे तुमको, अब तुम्हारा मन क्या हुआ, खुश हो गया, तुम खुशी खुशी आगे का काम कर रहे हो, तुम्हें खेलने जाने का मन है, अब तुम्हारे घर पे परमिशन मिल गई, तुम आधे घंटे खेल आए, अब तुम्हारा क्या हुआ, मन अच्छा हो गया, अब आगे पढ़ रहे हो ना पूरे मन से, ठीक है। वैसे क्या था, खेलने जाना है, खेलने नहीं जाने दिया, टीवी नहीं देख पाए हम, ठीक है, तो क्या था, मन उसी में उलझा हुआ था। तो इससे ये पता चल रहा है कि कभी पहले क्या था, उदास था, एक्चुअली देखो यहाँ पर, ठीक है, उदास था, अब वो खुश हो गया, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी का मूड क्या हुआ है, तो सैडनेस से हैप्पीनेस में गया हुआ, ठीक है, दुखी से वो खुश हो रहा है, पहले क्या था, दुखी। देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से क्रोर हेमलॉक ट्री का इन्होंने यूज़ किया है, कि मतलब चाहें तो हम जो गलत चीज़ें सोच रखे वो सही भी हो सकती है हमारे लिए, ज़रूरी नहीं, अब भैया हमने कौवे नहीं गिरा दी पार्टिकल्स, अरे अब तो मेरा और दिन ख़राब हो गया है, कि मतलब साला पूरा दिन वैसे ही ख़राब चल रहा था, ऊपर से कौवा मरा जा रहा है ना, लेकिन वो यहाँ पास इस चीज़ को रिग्रेट कर, उस चीज़ को मना कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हम ये सब सोच कर रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोशल और फिलोसफिकल थिंकिंग चीज़ है, ठीक है, कि सोचें तो भैया जो मन ही चल रही है कि कौवा है तो गिरा दिया, अब तो और मेरा दिन ख़राब हो गया, लेकिन इन्होंने क्या चेंज किया है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता। तो आई होप ये समझ में आई होगी। फर्स्ट स्टेंजा में इन्होंने बताया कि वो कभी उदास हैं, आके पेड़ के नीचे हम लोग ट्री बैठ रहे हैं, कौवा है उस पेड़ को हिला रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रही है, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर रही है, ठीक है, उस गिरने की वजह से क्या हो रहा है वो अगले स्टेंजा में बताया है, क्या बताया है कि उस जो डस्ट गिरी है उनसे क्या हुआ, उनका हृदय जो मनोदशा है उनकी वो चेंज हो गई है, जो अभी तक वो दुखी थे वो क्या हो गए, खुश हो गए हैं, जिससे क्या हुआ है, जो उनका अभी तक जो पूरा दिन खराब किया था ये सोच सोच के कि उदासी में, ठीक है, अब वो खुशी में निकल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थे वर्ड मीनिंग, वे ऑफ मैनर, मैनर में तरीका होता है, सोक क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब हिलाना, डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, हेमलॉक क्या होता है, ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर, चेंज मतलब डिफरेंस, परिवर्तन या अल्टरेशन, इसका अलग मीनिंग सिनोनिम भी होता है अल्ट्रेशन, ठीक है। मूड क्या होता है, मेंटल स्टेट, ठीक है। रुइड मतलब हैड इन रिग्रेट, ठीक है, खेद या दुखी। ये हमारी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इस लेक्चर में हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा है, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेंजा से दिए हुए जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम करेंगे।
ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे और सेंटर आइडिया हम देखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल पोएम है, तुम ये पोएम याद कर सकते हो। अगर तुम्हारे एग्जाम में चार लाइन की पोएम लिखने को आ रही है तो इससे सिंपल कोई पोएम नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और इसमें रह गई, राइम स्कीम, ठीक है। इसके राइम स्कीम, राइम स्कीम देखो, राइमिंग क्या होती है, जैसे तुम लोग गाना गुनगुनाते रहते हो ना, तो क्या होता है, अंतिम जो शब्द होते हैं, जैसे जैसे हमने लिखा रैट कैट, तो क्या इसके लास्ट वर्ड क्या है, सेम है, तो राइमिंग बननी है ना। लास्ट में क्या होता है, तुक बन जाता है अच्छा सा, जो राइमिंग पकड़ लेता है ना, फिर कविता बनती चली जाती है, ठीक है। तो ये राइमिंग स्कीम क्या होती है, जो लास्ट वर्ड होता है वो क्या आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें देखो लास्ट वर्ड क्या आया है, डब्लू, इस डब्लू को हमने मान लिया ए, इसमें क्या आया है ई, ई को हमने मान लिया बी, ठीक है। फिर क्या आया है डब्लू, डब्लू क्या है ए, ठीक है। फिर हमारा क्या आया ई, ई मतलब बी, मतलब राइमिंग स्कीम क्या चल रही है, ए बी ए बी, ठीक है। पहले ए बी ए बी, ये हमारी राइमिंग स्कीम। इसी तरीके सेकंड में देखो डब, ये टी ए, फिर डी को हमने बी, फिर टी ए और फिर बी, मतलब जो फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर है वही थर्ड लाइन का लास्ट लेटर है, ठीक है, समझ में आए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी, ठीक है। राइम स्कीम क्या है इसकी, ए बी ए बी, ठीक है। शॉर्ट पोएम है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। राइम स्कीम इसकी ए बी ए बी है, ठीक है, ये सोशियो, ठीक है। और ये जो रूरल लाइफ पे लिखते हैं, ये सब चीज़ें रूरल लाइफ में होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पास देखो, ये तुम पता ही चल रहा है, ये रूरल लाइफ में लिखी गई। रूरल लाइफ मतलब क्या होता है, गाँव वाली, ठीक है। अब भैया पेड़ पौधे कहाँ होते हैं, कौवे कहाँ पाए जाएंगे, गांव में ही होता है ना सब चीज़ें, तो मतलब इन्होंने गांव का वर्णन किया है। अब फैक्ट्री वैक्ट्री तो दिख नहीं रही कहीं यहाँ पास, जो हम बताएं शहर होगा, तो क्या गांव के बारे में बताते हैं, ठीक है। इनके जो जो सेटिंग होती है वो रूरल लाइफ पे होती है, मतलब गांव की लाइफ पे लिखते हैं ये, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है।